Hello guys, welcome back to another episode of Idiom and Phrases video series. In this video, we will be understanding the meaning of idiom, flog a dead horse. और मैं आपको इस idiom को एक pictorial depiction भी दूंगा, जिससे आपको और ज़्यादा इस idiom के बारे में समझ आ सके. तो चलिए शुरू करते हैं. अब इसमें इसे हम एक story से समझते हैं. ये है गजोधर भैया और ये है उनका घोड़ा. अब गजोधर भैया अपने घोड़े पर सवार हैं और वो उस घोड़े को जैसे रेस होती है तो उसको चाबुक मारते हैं, वैसे गजोधर भैया उसको चाबुक मारे जा रहे हैं और इतना मारते हैं कि एक टाइम बाद गजोधर भैया का जो घोड़ा है वो मर जाता है. अब गजोधर भैया स्टिल उससे कहते हैं, गेट अप, वी कैन स्टिल विन दिस. तो क्या आप बताइए, क्या वो घोड़ा दौड़ पाएगा जब वो मर चुका है? नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा. तो सेम इसी idiom का मतलब है, फ्लॉग मतलब होता है किसी को चाबुक मारना और घोड़ा तो हॉर्स मतलब घोड़ा होता ही है, तो इसका मतलब मरे हुए घोड़े को चाबुक मारना. तो क्या वो घोड़ा कभी चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो मर चुका है. अब हम इसको समझते हैं एग्ज़ाम फॉर्म में क्या लिखना है. एग्ज़ाम फॉर्म में होगा, फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब क्या होता है? टू कंटिन्यू टू फोकस ऑन समथिंग, स्पेशली एन इशू और टॉपिक दैट इज़ नो लॉन्गर ऑफ एनी यूज़ और रेलेवेंस. मतलब एक ऐसे टॉपिक पे एफर्ट्स लगाना जो अब रेलेवेंस या फिर इम्पॉर्टेंट है ही नहीं. अब इसका हिंदी में मीनिंग होगा व्यर्थ के प्रयास करना, मतलब उस प्रयास का कोई रिजल्ट नहीं आने वाला. अब इसको हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, वी हैव ऑल मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट प्रॉब्लम सो देयर इज़ नो यूज़ फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स. मतलब हम उस प्रॉब्लम से आगे बढ़ चुके हैं तो अब उस प्रॉब्लम को डिस्कस करना एक फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स होगा, मतलब मरे हुए घोड़े को चाबुक मारने के समान होगा. तो फिर अगली बार से अगर आपसे कोई कहे वी आर फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स तो इसका मतलब समझिएगा, टू कंटिन्यू टू फोकस ऑन समथिंग स्पेशली एन इशू और टॉपिक दैट इज़ नो लॉन्गर ऑफ एनी यूज़ और रेलेवेंस. मतलब एन एक्सरसाइज विच इज़ फ्यूटाइल, मतलब उसके कोई एंड रिजल्ट्स नहीं होंगे. ऑलराइट गाइस, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.